इसी कड़ी में एक पुराने वीडियो के ट्विटर पर डालने की वजह से संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी प्रिंसेस हिंद अल कासमी मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई। दोस्तों, दुबई की राजकुमारी हिंद अल कासमी ने मंदिर में पूजा की। हो गया इंडियन जो आजकल जाहिर सी बात है पूरी जो मार्केट जो दुनिया की है उसका हब बनता जा रहा है, तो इंडिया के राजकुमारी ने बुधवार को चेन्नई के गोल्डन टेम्पल के दर्शन पूजन करने का एक पुराना वीडियो डाला। इंडिया का कोई बाहर जाता है उसके कपड़े नहीं उतरते, हमारे वजीरों के कपड़े तक उतर जाते हैं। आया है कि राजकुमारी ने चेन्नई के गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने का एक वीडियो डाल। आप जो भी ताल्लुका दुबई के पाकिस्तान इंडिया के साथ देखेंगे वो ज्यादा बेहतर नजर आते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा सिक्योर समझते हैं। मुस्लिम होने के बाद भी मंदिर में पूजा की और मुझे मंदिर के अंदर एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। दुबई की राजकुमारी ने अपनाया हिंदू धर्म, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको जो वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ आप देख के चौंक जाएंगे। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है दुबई की राजकुमारी और इन्होंने जाके हिंदू मंदिर में ऐसी पूजा की है कि आप देख के चौंक जाएंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो है महिला है जो है मुस्लिम है और हिंदू मंदिर में पूजा करने के बाद मौलाना जो है बौखला जाते हैं। मैं इनकी सारी वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं कि इस पे पाकिस्तान जो है अपना क्या रिएक्शन दिया है और पाकिस्तानी हिंदू के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, आपको जरूर सुननी चाहिए। सीधे चलते हैं पाकिस्तान, लेकिन उससे पहले दुबई से कब ने गुस्सा होकर ऐसी बात बोल दी है वो भी वीडियो क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान जो है हिंदू के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोला है, आपको जरूर सुननी चाहिए। तो पहले आप इनकी वीडियो क्लिप देख लीजिए। कि हिंदू जो लोग हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, शुरू से ये पॉइंट जो है ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले की जो है ना ये पोजीशन है ये चल रही है और ये अभी तक चल रही है और ये चलती रहेंगी, ये खत्म नहीं हो सकती। क्या मुसलमान हिंदू को अच्छा समझता है? मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान तो मैं ये समझता हूँ कि बेशक बेशक ये बात सच है, मुसलमान जो कौम है वो हर मजहब को अच्छा कहती है, लेकिन हिंदू वो वाहिद कौम है कि जो मुसलमान को क्या वो किसी भी कौम के फर्द को अच्छा नहीं समझती। आप ये कह सकते हैं अभी के हिंदू मेरा भाई है? नहीं, बेसिकली इंसानियत के नाते अगर देखा जाए तो एक इंसान होने के नाते हम हिंदू को अपना भाई कह सकते हैं, अदरवाइज वैसे कोई मतलब इसके अलावा कोई वजूहत नहीं है कि आप उन्हें अपना अभी तो भाई कह सकें। अभी तो आपने कहा है कि हम हर मजहब को बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं, तो फिर हम हिंदू को अपना भाई भी तो कह सकते हैं। देखे ना, हमारे मजहब में तो ये चीज है कि हमारा मजहब तो माशाल्लाह आपको पता मुस्लिम है, मुसलमान है, हमारा दीन इस्लाम है और इस्लाम के अंदर तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि दुश्मन को भी तुम भाई कहो, तो इसके अलावा इसके बावजूद जो है ना वो हिंदू कभी भी मुसलमान का दोस्त या भाई नहीं हो सकता। असल में ये है ना, पाकिस्तान रिसेंटली देखा जाए तो पॉलिटिकली पूरी दुनिया से आइसोलेटेड है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट पिछले मतलब 2-3 साल से जिस तरह मतलब हमारी एक प्रिकेरियस सिचुएशन है, कोई दुनिया हमें मुंह लगाने को तैयार नहीं, हमारी कोई मतलब डिप्लोमेटिक हमारी कोई पावर ही नहीं है, किसी दुनिया में कोई हमारे सुनने को तैयार नहीं है। एक तो हम मकरूज भी हैं क्योंकि हमारी कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही, जिस तरह इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है मतलब हमारी कोई औकात नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सऊदी अरब हो गई या मिडिल ईस्ट के जितने अरब कंट्रीज है उनके सारे मफादात जो है ना जो सुपर मतलब पावरफुल कंट्रीज के साथ जिनकी इकोनॉमी जीडीपी स्ट्रॉन्ग है, जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज हो गया, इंडियन जो आजकल जाहिर सी बात है पूरी जो मार्केट जो दुनिया की है उसका हब बनता जा रहा है, तो इंडिया के बगैर कोई भी मतलब उसके आसपास के कंट्रीज चाहे अफगानिस्तान हो कश्मीर हो कोई आगे नहीं चल सकता। पाकिस्तान की उनको ऐसा जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इस तरह वैल्यू नहीं है, तो जाहिर सी बात है सारे इंडिया के साथ एक दूसरे के साथ ट्रेड करते जा रहे हैं। इवन ईरान और सऊदी अरबिया जो जिनकी मतलब चांसेस ही नहीं थी मतलब दोबारा दोस्ती हो सकती, अगर वो दोस्त बन सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं मतलब किसी के साथ पाकिस्तान की नहीं बन सकती। हमारे जो अवान में बैठे हुए लोग हैं वो कर सकते हैं, हम किसी इंसान के लिबास को देख के उसके पर्दे को देख के ये क्लेम नहीं कर सकते ये पाकिस्तानी है मुसलमान है, इसको इंडिया को सपोर्ट करनी चाहिए या पाकिस्तान को सपोर्ट करनी चाहिए। चीज़ ये है कि उसके इंटरेस्ट उसके साथ ऐसे क्या हैं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट नहीं है। आप जो भी ताल्लुकात दुबई के पाकिस्तान इंडिया के साथ देखेंगे वो ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा सिक्योर समझते हैं इंडिया में एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आना चाहता। अब क्यों नहीं लेकर आना चाहता? अब हमारे यहाँ पे माफिया ऐसे हैं जो सबसे पहले ये कहते हैं कि आप हमें परसेंटेज कितनी देंगे तो हम आपको यहाँ पे बिजनेस करने का मौका देंगे। दूसरी बात, परसेंटेज अगर तय हो भी जाती है तो उनको क्या सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद है कि अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं तो उनको यहाँ पे जो भत्ताखोर है कमीशन उसने अलहदा दे दी, बताखोर सिक्योरिटी, और तीसरी बात जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे, क्या आप उनको सस्ती बिजली दे सकते हैं? यहाँ पे सस्ती लेबर तो मिल जाएगी, यहाँ के लोगों को रोजगार तो मिल जाएगा, क्या यहाँ पे सस्ती बिजली सस्ता रॉ मटेरियल उनको मिलके क्या वो यहाँ पे इस काबिल कर सकते हैं कि वो एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सके? तो मेरा ये है कि अगर जो भी है इन तमाम चीज़ों को हमारे जो वजीर हमारी
खारजा पॉलिसी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, हमारे सफारती तालुकात इतने अच्छे होने चाहिए कि अगर वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान को सपोर्ट करें, तो पाकिस्तान को अपना एक अच्छा इमेज जो सा है दुनिया में दिखाना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जो यहाँ पे लोग आए और आके अपने आप को सिक्योर और फील फ्री के समझ सके। बिल्कुल सही सर, आपकी बात से एग्री करती हूँ मैं। क्या वजह है कि हिंदुस्तान ने ऐसा इत्मीनान डेवलप किया, क्या उनमें ऐसी क्वालिटी है कि वो आज दुनिया में सराहे जाते हैं? तो आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तानी अपना बयान दिया है हिंदू के बारे में, भाई हिंदू ये है हिंदू वो है, तमाम तरह की बातें की गई है। तो आप इस मुद्दे पे क्या कमेंट करना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब सीधे चलते हैं दुबई, और दुबई से गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, उनकी थोड़ी सी वीडियो क्लिप है आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आप इनकी वीडियो क्लिप देख लीजिए। कभी भी कोई भी इंशाल्लाह दोस्त हो या दुश्मन हो, कभी भी तुमसे सिम कार्ड मांगेगा मत दियो। वो बोले प्लीज हमारे पास सिम कार्ड नहीं है, आओ चलो मेरे लिए एक सिम कार्ड निकालो। कभी भी ये गलती मत करो। अभी हमको एक आदमी मिला, बेचारा कुछ नहीं जानता है, एक उसका दोस्त ही गया, उसका सिम कार्ड उसका नाम से निकाला। फिर वो क्या करता था, लड़की लोग को फोन करता था, सब आदमी को गाली भी देता था, सब चीज करता था, बहुत गलत गलत चीज करता था, इस्तेमाल करता था। तो ये आदमी ये बंदा गया उसका मुल्क में, पुलिस किसको पकड़ा, किसको फोन किया, ये इसको, और ये बोलते मेरा नंबर नहीं है, ये मेरा दोस्त का नंबर है। बोला नहीं, ये आपका आईडी से मिला हमको, इसलिए तुम जिम्मेदार है, इसलिए आप लोग को हाथ जोड़ता है, किसी को सिम कार्ड नहीं दियो तुम्हारा आईडी से। वो कुछ भी गलती करेगा आप फंसेगा, आप लोग फंसेगा, तो प्लीज दिया। तो आपने देखा कैसे जो है दुबई से अपना बयान दिया है। देखिए इससे पहले दुबई के अंदर में जब राजकुमारी का जो लड़का हुआ था उसका जो नाम जो है हिंद रखा गया था, भाई हिंद जो है भारत से मिलता जुलता नाम था, और इस पे भी जो इतना बवाल हुआ था, इस पे इतने पाकिस्तान जो है अपना रिएक्शन वीडियो दिए थे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि उन लोगों का रिएक्शन देख के आप चौंक जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।